देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सामूहिक विवाह था। सामूहिक विवाह में 50-100 शादी एक साथ होती है। अब जहाँ पे इतनी सारी शादियाँ होती है वहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं होती, और रीति रिवाज के हिसाब से हमारी शादी लमसम हो गई है। अब कुछ कुछ इंटेंशन से हम लोग अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, या फिर आप लगा लीजिए कि हम बेवकूफ़ बन गए कि शादी हो भी गई है और शादी नहीं भी हुई है। अब ये देखना है कि बट कुछ ऐसे सिचुएशंस रहे जहाँ पे हमें कुछ कुछ डिसीजंस पे हेर बदर करना पड़ा, और हम इस डिसीजन पे पहुँचे हैं कि मुहाज चाहिए था सबका। ये मेरे ताई जी हैं। हेलो, कितना प्यार करते हैं आपको? बहुत, जान से ज्यादा, चांद से ज्यादा। ठीक है, आप मुझे अपनी मर्सिडीज दे दो। ले लो, तुम्हारी है, ले लो। बहुत बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी, सबके लिए बहुत खाना लेकर आती हैं, बहुत कुछ। सो या, अब रही बात, जैसे मेरी ताई जी हैं, मेरी मम्मा हैं यहाँ पे शो में, और जितने भी परिवार के लोग हैं, जैसे मेरी नानी भी हैं। भाई हमारी क्या, हमारा तो हमारे चांद, हमारे प्यार का ध्रुव है ये, इसके लिए तो जान हाजिर है भाई। कितनी मुश्किल से ढूंढ के लाए हैं, देख रहे हो कितना प्यार करते हैं। और मैंने, और ऐसी लड़की ढूंढ के लाए, आज के जमाने में इतनी संस्कारी लड़की मिलती नहीं है। इतने इतने सारे मुझे प्यार करते हो, मैंने उन लोगों को दुख पहुंचाया ऐसी चीज। बट लेकिन पता क्या, नानी और दादाजी बहुत खुश थे मेरे इस डिसीजन तो मेरा नहीं था, लेकिन ये सिचुएशनली ऐसी सिचुएशन बन गई जहाँ पे दिख जाता है कभी कभी सिचुएशन वाइज कि आपके कितने रिश्ते कॉन्क्रीट हैं और कितने रिश्ते आपको समझते हैं। रिश्तों में जो इंसान होते हैं वो कितना आपको समझते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि तभी आई गेस दादाजी और नानी को मैं हमेशा अपना समझता हूँ सपोर्ट सिस्टम, तभी मेरे को ये, मैं तभी इधर उधर देखता हूँ। सिर्फ जब भी मैं इधर सपोर्ट के लिए देखता हूँ तो मैं या तो नानी को देखता हूँ या तो दादाजी को देखता हूँ, एंड मुझे पता है कि हमेशा सपोर्ट मिलता है। अरे आई लव यू टू, कैरेक्टर ही नहीं नॉर्मली भी, बट आई फील ध्रुव को इस बात का एहसास है कि उसने अपने घर वालों को दुख पहुंचाया है, और इस चीज़ से इसकी सहमति सबकी नहीं होगी, सहमत सभी लोग नहीं होंगे इस चीज़ से, बट कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ का। शादी कैसे अचानक से ऐसे कैसे बता दिया ना, बाकी तो ऐसे तो सब बता दूंगा तो फिर एपिसोड कौन देखेगा तुम्हारा चाचा। मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, क्या हो जाएगा, मार्केटिंग ना करवाऊं शो की। देखिए हमें बहुत अच्छा लगता है आप हमारा शो देखते हो, और हम ऐसे ही चाहते हैं कि आप हमारा शो देखते रहे, प्यार बना रहे, मोहब्बत बनी रहे, और हम धीरे धीरे आप लोगों को कोशिश करेंगे कि और भी सुनहरे, और भी अच्छे, और भी इम्पैक्टफुल, और भी ज़्यादा इंटरटेनिंग, और भी फुल विद ड्रामा, वेरी रोमांटिक सीन्स के साथ आपको हम अपने एपिसोड्स दे सकें टाइम पर। एंड टाइम पर तो ऑफकोर्स होगा ही होगा, एंड हम चाहते हैं कि ये शो लंबा चले, बिकॉज एक प्यार बन जाता है हम सबका, कोवर्कर्स, कलीग्स का, एंड विद एवरीबडी, इवन क्रू ऑल्सो, एंड आप लोगों का भी हमारे साथ प्यार जो बना रहता है, और आप लोग भी चाहते हैं कि हम सब लोगों को टीवी स्क्रीन्स पे देखने के लिए, तो बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हमें भी करते रहिए, मेरे कलीग्स को भी करते रहिए, ताकि हम आपको टीवी स्क्रीन्स पर एक साथ दिखते रहे। थैंक यू। एक्चुअली अभी जो हमने शूट किया है कि ध्रुव शादी करके घर आ गया है, वो तारा को घर ले आया है, और बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल हो चुका है हमारे घर में। मुझे कहीं ना कहीं ये बात हजम ही नहीं हो रही है कि ऐसा कैसे कर सकता है ध्रुव, जिसने मुझसे वादा किया था, और जिस तरह का वो है वो अपनी माँ के अगेंस्ट नहीं जा सकता, तो ये बात कहीं ना कहीं मुझे चुभ रही है, तो वो मैं उससे पूछने जाती हूँ। जिस तरह से वो रिएक्ट करता है तो मेरा शक और ज़्यादा बढ़ जाता है कि कुछ तो दाग में काला है, कुछ तो हुआ है। वही हम शुरू कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ देखते रहिए ध्रुव तारा, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हर एपिसोड में बहुत कुछ हो रहा है। जैसे आज हम जो कर रहे हैं इसमें इतना कुछ हो जाएगा, फिर नेक्स्ट एपिसोड में देर इज़ न्यू ड्रामा, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, कुछ भी खिंच नहीं रहा है, और अगर आपने नहीं देखा तो आप मिस कर जाओगे। तो प्लीज़ देखते रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए इस शो को भी और मुझे भी। थैंक यू। फाइनली देखा जा रहा है
मैं ऑलरेडी तारा से बहुत परेशान हो चुकी हूँ, कहीं बहुत आवाज़ सुनाई देती है, हम सब भाग के आते हैं और देखते हैं तारा ने सारे बड़े बर्तन निकाले हुए, वो बजा रही है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। फिर वो कहती है कि मैं वो रसोई बनाने की जो पहली रस्म होती है मैं वो करूँगी, और सब बहुत परेशान है कि घर का माहौल इतना ख़राब है जिसमें तारा ये सब क्यों करना चाहती है और क्या मिलेगा उसे ये करके। तो वो हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मुझे वही डाउट है कि ये क्या कर रही है, ये क्यों कर रही है, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। मैं पता लगा कर ही रहूंगी।